हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सूरत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज। तो फाइनली हम लोग के पास ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से 7220CH स्मार्ट वॉच आ चुका है, जिसको मैं अभी कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और डेफिनेटली इसमें भी कुछ प्रोज है कौन से मैं सारी बातें बताऊंगा। सो वीडियो में बने रहना और चैनल पर यार नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो बिल्ट इसका जो है पूरा यहाँ पे आप लोग को मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आप लोग को 2.5D कर्व्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है इसे। और स्ट्रैप्स की अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिलिकॉन वाले स्ट्रैप्स आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के लगे मुझे। डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आप लोग को इस तरफ एक बटन, फंक्शन बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग को हल्का सा रेड एक्सेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें आप लोग को नीचे की तरफ स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और माइक्रोफोन देखने को मिलता है, और पीछे की तरफ यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, जहाँ आप लोग को सेंसर देखने को मिलता है और चार्जिंग पॉइंट्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो यस, बिल्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई। प्राइस को कंसिडर करते हुए चले तो बिल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका पसंद आया। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 2.5D कर्व्ड 1.75 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ किया है इन लोगों ने, बिल्कुल पिक्सेलेटेड नहीं लगता है, काफ़ी अच्छी तरीके का आप लोग को यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस लेवल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बिल्कुल डेलाइट में आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे धूप वगैरह में अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो। एक्सट्रीम सनलाइट कंडीशन में यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा बहुत वॉच को रोटेट करते हो तो आप लोग आराम से डिस्प्ले विजिबल रहता है आप लोग के सामने, तो कोई भी मुझे यहाँ पे बेसिकली मेजर दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ी एक्सट्रीम सनलाइट के अंदर और डेलाइट के अंदर, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्राइटनेस आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली दो ब्लूटूथ कनेक्शन दिए गए हैं, जो कॉलिंग वाला है उसके में आप लोग को ब्लूटूथ 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ठीक ठाक समय यहाँ पे कहना चाहूँगा। और अदरवाइज यहाँ पे आप लोग को ब्लूटूथ वर्सन 5.0 देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है। कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, तो यहाँ पे मैं आप लोग को अभी माइक क्वालिटी सुनाने वाला, तो 3, 2, 1 अभी आप लोग इसका माइक सुन सकते हो। सो हे गाइस, अभी जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे ज़ेब्रोनिक्स 7220CH के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग को अंदाजा लग सकता है कि इस वॉच का जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक आप लोग लग सकता है किस तरह से कॉल क्वालिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं माइक क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया थी, तो आप लोग यहाँ पे ऑडियो सैंपल सुन के इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे वॉच की जो माइक है उसकी क्वालिटी रहती है। और स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा लाउड इनफ देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग का जो रिंगटोन वगैरह है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बजता है, और आप लोग कॉल का यूज़ यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आप लोग अगर फ़ोन में कॉल आएगा तो इसमें रिंगटोन बजेगी और यहाँ पे डायलिंग स्क्रीन आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली बात कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैंने यह चीज़ फेस करी कि अगर आप लोग TWS को या फिर कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन को आप लोग कनेक्ट कर रखते हो अपने ब्लूटूथ में, तो डायरेक्टली उसमें रिंग बजती है ईयरफोन में और आप लोग यहाँ से उसको रिसीव नहीं कर सकते, आप लोग डबल टैप या फिर सिंगल टैप करके उस TWS के हेल्प से कॉल रिसीव कर सकते हो। मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ करने वाले हो। एंड अब UI की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सबसे पहले ही जैसे आप लोग वॉच को ऑन कर लेते हो, पेयर कर लेते हो, तो सबसे पहले ही आप लोग को यहाँ पे अपना वॉच फेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग अगर राइट से लेफ्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलिंग का जो फीचर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट से राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप लोग को मेनू देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को पेडोमीटर देखने को मिल जाता है, स्लीप मोड देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें आप लोग को ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आप लोग को SPO2 देखने को मिलता है, वेदर देखने को मिलता है, नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे कैमरा सेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी एक टॉगल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को स्टॉप वॉच मिलते हैं, क्लॉक, अलार्म क्लॉक देखने को मिलता है। तो अलार्म क्लॉक की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग सिंपली यहाँ से अलार्म क्लॉक को यहाँ पे ऑन कर सकते हो, यहाँ से आप लोग अलार्म को यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। अलार्म अगर आप लोग को सेट करना है अपने वॉच में तो सिंपली आप लोग को
जो ऐप है उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग जाके अलार्म को सेट कर सकते हो। बट मुझे इसमें एक दिक्कतें फेस हुई, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा उसके बारे में। और यहाँ पे आप लोगों को फ्लैश लाइट मिल जाती है देखने को कुछ इस तरीके से, अगर आप लोग एकदम अंधेरे वाले कंडीशन में हो तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से ये हेल्प कर जाएगा। और यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करते हैं, यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और राइट साइड में आप लोगों को सेटिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ रीसेट करने का ऑप्शन है, वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वाइब्रेशन की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वाइब्रेशन मुझे उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। मैंने लाइक इसमें अलार्म सेट करा था तो ये अलार्म बजा या नहीं बजा वो मुझे मालूम नहीं है, बट मेरी नींद नहीं खुली इसके कारण। सो यस, मुझे वाइब्रेशन उतना ज़्यादा सॉलिड फील नहीं हुआ इसमें। और साथ ही इसमें आप लोगों को DND मिलता है, थिएटर मोड मिल जाता है, डायल स्विच यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली इसको आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ से आप लोग के वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो देखने को मिलता है। ऐप और QR कोड अबाउट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे शॉर्टकट्स की कुछ बात करें, यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन अगेन देखने को मिलता है, ब्राइटनेस कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वेदर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे मेनू स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए गए बेसिकली, यहाँ पे एक है हाइव, और हाइव में कुछ यहाँ पे एप्पल वॉच की इंटरफेस की तरह यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल सा लुक प्रोवाइड करता है इसे। और नीचे से अगर आप लोग ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन जो आया है वो यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे पेडोमीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ लोग स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाती है। स्लीप मॉनिटर की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाती है, आप लोगों को पेडोमीटर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग थोड़ी नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस जो डेटा है पिछले कुछ दिनों का वो आप यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे एक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, 7 दिनों तक का डेटा यहाँ पे स्टोर रखता है, उसके बाद ही आप लोग को ये रिफ्रेश होता है अगेन। तो ये मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी कि आप लोग प्रीवियसली 7 दिनों का यहाँ पे डेटा ट्रैक कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग को इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कंपनी खुद भी कहती है कि आप लोग को ज़्यादा मेडिकल जो इक्विपमेंट आते हो उस पे रिलाई करना चाहिए अगर आप लोग हेल्थ वाइज देख रहे हो। अगर नॉर्मल आप लोग देखना चाहते हो कि कितना क्या रहता है तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप लोग सीरियसली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर ट्रैक करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग का हेल्थ से कुछ इश्यूज़ है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे SpO2 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग को अगेन मेडिकल इक्विपमेंट पे ही रिलाई करना चाहिए, ना कि स्मार्ट वॉच पे भरोसा करना चाहिए। UI की परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे डिसेंट इनफ यहाँ पे देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे लगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये बजट स्मार्ट वॉच है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैग देखने को मिलता है, तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक ये सॉफ्टवेयर अपडेट से यहाँ पे फिक्स हो सकता है, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। मैं ज़रूर से अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम में। बाय द वे, आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग को IP67 वाटरप्रूफ देखने को मिल जाता है, थोड़े बहुत अगर पानी गिर जाते तो बिल्कुल ये सर्वाइव कर जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग जिमिंग वगैरह जाते हो तो अगर आप लोग स्वेट आ रही है या फिर आप लोग हाथ धो रहे हो तो उसमें अगर आप लोग का वॉच भीग जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग अगर स्विमिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस सिनारियो में ये खराब हो सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड की बात करो तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली कोई भी फिटनेस ट्रैक करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सो यस, मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपना फिटनेस ट्रैक करना चाहते हो तो ये वॉच आपके लिए नहीं है। आप लोग को सिंपली वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अगर आप लोग एक फिटनेस फ्रीक हो और अपना हेल्थ पूरा ट्रैक करना चाहते हो तो ये वॉच बिल्कुल भी आप लोग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। और मार्केट में और भी वॉचेज हैं तो आप लोग उसकी तरफ वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग कॉलिंग वाला फीचर यूज़ करते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग को 1.5 से 2 दिन का बैकअप देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कंपनी 7 से 10 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम कर रही है, तो वो आप लोग का 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाता है अगर आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ नहीं करते हो। तो काफ़ी कूल तरीके से यहाँ पे आप लोग अपने वॉच फेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो, और साथ ही इसमें आप लोग 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं।
जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे तो एप्पल वॉच की तरह भी देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है, आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने सारी बातें सुन ली, क्या प्रोज है क्या कौन से, बट अगर आप लोग को एक अच्छा दिखने वाला वॉच चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को स्टेप काउंट्स अपने करने हैं, आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग को यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग करनी है वॉच के थ्रू, तो आप लोग बिल्कुल ये वाला वॉच ले सकते हो। इसके प्राइस आप लोग को 3,500 रुपये अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आप सभी से एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, peace.